ईश्वर के द्वारा रचित और सृजित इस संपूर्ण ब्रह्मांड में अनेकों पृथ्वी जैसे ग्रह हैं, लेकिन अगर कोई नीला ग्रह है और जिस पर जीवन का अस्तित्व है तो वह केवल पृथ्वी और एकमात्र पृथ्वी है। पृथ्वी की उम्र करोड़ों वर्ष है और निश्चित तौर पर जब पृथ्वी पर जीवन का प्रादुर्भाव हुआ होगा तो बड़े सूक्ष्म जीव के रूप में और ख़ास तौर से जलीय जीव के रूप में इस जीवन पर पृथ्वी पर प्रादुर्भाव हुआ और इस नीले ग्रह में धीरे धीरे जीवों की विभिन्न प्रजातियों की तादाद हुई, आमद हुई और इसके साथ ही एक ऐसे जीव का प्रादुर्भाव हुआ, जन्म हुआ जिसको हम होमो सेपियंस कहते हैं। होमो सेपियंस माने मनुष्य। मनुष्य के पैदा होने के साथ साथ बहुत खुशहाली भी मनाई गई और आज मनुष्य स्वयं ही जिस डाल पर खड़ा हुआ है उस डाल को स्वयं काट रहा है। कहने का तात्पर्य यह है कि प्रकृति का दोहन सबसे ज़्यादा मनुष्य ने ही किया है और आज मनुष्य ही उसका सबसे बड़ा शत्रु बना हुआ है। इन्हीं सब चीज़ों को हमें जनता जनांद तक पहुंचाने के लिए अपनी बात को जैव विविधता के माध्यम से कहना है। जैव विविधता, जैसा कि सब जानते हैं कि जीवन की विविधता, जीवन के विविध प्रकार इस पूरी कायनात में, इस विश्व में, जल थल और नभ और अंतरिक्ष में जहाँ जहाँ भी जीवन का अस्तित्व है वहाँ पर जैव विविधता का अस्तित्व अपने आप है। और जब तक ये पूरी कायनात तो पृथ्वी रहेगी तब तक निश्चित तौर पर बायोडाइवर्सिटी का यानी कि जैव विविधता का अस्तित्व बना रहेगा। जैसा कि आप जानते हैं कि जैव विविधता को अक्षुण बनाए रखने के लिए, जीवन को सुचारू रूप से संचालित होने के लिए, उसको पोषण के लिए और उसको सुविधाएं प्रदान करने के लिए मध्य प्रदेश राज्य जैव विविधता बोर्ड ने प्रत्येक पंचायत स्तर पर, प्रत्येक जनपद पंचायत स्तर पर और प्रत्येक जिला पंचायत स्तर पर समितियों का गठन किया है और ये समितियाँ इन तीन भागों में विभाजित की जाती हैं जिसमें जैव विविधता प्रबंधन समितियों का महत्व सबसे अधिक है। प्रत्येक स्थानीय निकाय अपनी अधिकारिता के भीतर एक जैव विविधता प्रबंधन समिति का गठन करता है। तदनुसार जैव विविधता प्रबंधन समितियों का गठन जिला पंचायत, जनपद पंचायत, ग्राम पंचायत और ग्राम सभा के स्तर के साथ साथ नगर पंचायत, नगर पालिका एवं नगर निगम स्तर पर किया जाता है और इन्हीं सबको आगे चल कर के हम एक निकाय के रूप में, समग्र निकाय के रूप में देखते हैं जहाँ पर कि जैव विविधता को अक्षुण रूप से बनाया जाता है। और अब आगे के लिए मैं माइक डॉक्टर बकुल लाड साहब को सौंपता हूँ, वह इन सब समितियों, इनकी कार्यप्रणाली, उनके महत्व के बारे में विस्तार से आप सबको प्रतिपादित करेंगे। डॉक्टर बकुल लाड। धन्यवाद डॉक्टर रावत साहब। सबसे पहले आप सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर बकुल लाड, प्रबंधक जैव विविधता बोर्ड भोपाल से। और जैसा कि विदित है कि आज के इस कार्यक्रम के प्रसारण में जैव विविधता बोर्ड के जो प्रमुख कार्य है और इन कार्यों को जिन माध्यम से संपादित किया जाता है उसमें प्रमुखतः जैव विविधता प्रबंधन समिति और हमारे प्रमुख कार्य लोक जैव विविधता पंजी का निर्माण। तो साथियों, जैसा कि विदित है कि जैव विविधता बोर्ड का जो गठन सन 2005 में हुआ और इसका जो गठन है उस गठन के पीछे जो मंशा है जैव विविधता अधिनियम 2002 एवं मध्य प्रदेश जैव विविधता नियम 2004 के उद्देश्यों का क्रियान्वयन करना। और ये जो अधिनियम है और जो ये नियम है इनके प्रमुख जो उद्देश्य है, तीन इनके उद्देश्य है। पहला, जैव विविधता का संरक्षण।
कंजर्वेशन ऑफ बायोडायवर्सिटी, दूसरा जो उद्देश्य है जैव संसाधनों का संवहनीय उपयोग, सस्टेनेबल यूज ऑफ बायोडायवर्सिटी, और तीसरा जो अत्यंत महत्वपूर्ण उद्देश्य है लाभ का साम्यपूर्ण प्रभाजन, एक्सेस टू बेनिफिट शेयरिंग। तो साथियों, जो जैव विविधता अधिनियम है और जो जैव विविधता नियम है उनके उद्देश्यों को जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन के लिए जैव विविधता बोर्ड का गठन हुआ, और जैव विविधता बोर्ड इतना सक्षम नहीं है कि अकेले ही इनके उद्देश्यों को जमीनी स्तर पर क्रियान्वित कर सके। इसके लिए आवश्यक है कि हमको जमीनी स्तर पर, हमारे मैदानी स्तर पर एक ऐसी संरचना रचना की निर्माण करना है जो कि हमारे उद्देश्यों को जन समुदाय तक पहुंचा सके और हमारे उद्देश्यों को वहां पर क्रियान्वित कर सके। इसके तहत जो हमारी अंतिम इकाई है जैव विविधता प्रबंधन समिति, बायोडायवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी BMC, यानी अब यह हो गया कि हमारे सर्वोच्च स्तर पर जो हमारी संस्था है राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण जो चेन्नई में है, जो कि हमारे राष्ट्र के समस्त जितने जैव विविधता बोर्ड का नियंत्रण करती है, उसके पश्चात हमारे राज्य स्तर पर हमारा जैव विविधता बोर्ड है, और हमारे जमीनी और मैदानी स्तर पर हमारी जैव विविधता प्रबंधन समितियां हैं। और ये जो समिति है हमारे जैव विविधता अधिनियम और नियमों के उद्देश्यों को क्रियान्वयन करने के लिए जमीनी स्तर पर बनी हुई है। तो अब इसके अंतर्गत देखा जाए कि सबसे पहले कि जैव विविधता प्रबंधन समिति का क्या गठन कैसे होता है, उसका उद्देश्य क्या है, क्या किसके कार्य है। साथियों, जैसा भी डॉक्टर रावा साहब ने बताया कि जैव विविधता प्रबंधन समिति का जो गठन है वो स्थानीय निकाय स्तर पर किया जाता है, जिसके अंतर्गत जिला पंचायत, जनपद पंचायत, ग्राम पंचायत जो कि पंचायती राज की संस्थाएं हैं, नगर पंचायत, नगर निगम, इस तरह से जिला पंचायत जिला स्तर पर, तो इस समस्त स्थानीय निकायों पर हमारे जैव विविधता प्रबंधन समितियों के गठन का प्रावधान है। सवाल यह है कि जो हमारी जिला स्तर की समितियां हैं, जो हमारी ब्लॉक स्तर की समितियां हैं, उनका जो मेन उद्देश्य है कि हमारे अधिनियम और नियमों के उद्देश्यों के क्रियान्वयन को पूरा रेगुलेट करना। लेकिन जो हमारी मैदानी समितियां हैं, जैव विविधता प्रबंधन समिति जो कि ग्राम पंचायत स्तर की है, उन समितियों का मुख्य कार्य हमारे उद्देश्यों को एग्जीक्यूट करना है जमीनी स्तर पर। और इसके लिए जो इसका एक रचना, जो इसकी संरचना है समिति की, जिसके अंतर्गत इस समिति में 7 नाम निर्देशित व्यक्ति होते हैं जो कि पंचायत के द्वारा नामांकित किए जाते हैं। इसमें जो मुख्य सदस्यगण है वहाँ के कृषक, वहाँ के फिशर फोक, वहाँ के जो स्थानीय जड़ी बूटी विशेषज्ञ, वहाँ के स्थानीय समुदाय के जैव विविधता से संबंधित जानकार व्यक्ति, इस तरह से 7 व्यक्तियों का एक समूह जो कि पंचायत के द्वारा नामांकित किया जाता है उसको समिति में सदस्य बनाया जाता है। इसमें ध्यान ये रखा जाता है कि इसमें 1/3 महिला होना आवश्यक है, और जो उस क्षेत्र का SC और ST का जो अनुपात है उस अनुपात में ही उसके सदस्यों की संख्या वहां निर्धारित की जाती है। इसके अतिरिक्त इसमें एक बहुत सुंदर सा एक और प्रावधान है कि हमारे लाइन डिपार्टमेंट्स जितने भी सहयोगी विभाग है उन विभागों के जो क्षेत्रीय अधिकारी है, जैसे कि कृषि विभाग के ADOs, पशुपालन के AVFOs, वन विभाग के फॉरेस्ट गार्ड, उद्यानिकी के क्षेत्र अधिकारी, इस तरह से हमारे 6 विभागों के जो क्षेत्रीय अधिकारी रहते हैं उनको इसमें विशेष आमंत्रित के रूप में सदस्य को बनाया जाता है, जिसमें वन, कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन,
शिक्षा और स्वास्थ्य, ये छह विभागों को जो उनके क्षेत्रीय अधिकारियों को इसमें हम आमंत्रित करते हैं। इस तरह सात नाम निर्देशित व्यक्ति और छह उन विभागों के क्षेत्रीय विशेष आमंत्रित व्यक्ति, तो कुल 13 सदस्य एक समिति का गठन किया जाता है। समिति के जो मुख्य कार्य है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि जो जैव विविधता अधिनियम 2002 और जैव विविधता नियम के उद्देश्यों का क्रियान्वयन करना है। तो साथियों, इसके अतिरिक्त समिति का जो दायित्व है उस क्षेत्र में काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस समिति का गठन एक्ट के अंतर्गत किया गया है और इसको इस एक्ट के अंतर्गत इसको विशेष अधिकार भी दिए गए हैं। ये समिति वहाँ के जितनी जैव विविधता है उसका संरक्षण के साथ साथ जैव संसाधनों का संवहन और लाभ के प्रबंधन के लिए भी उत्तरदायी है। यानी कि ये समिति वहाँ की संपूर्ण जैव विविधता के संबंध में जवाबदेह है। तो इसके लिए आवश्यक ये है कि हमको जो वहाँ समिति है उस समितियों को सक्रिय करना या पुनर्गठन करना, ये हमारा सबसे बड़ा आज का चैलेंज है। हमको आपसे यही सहयोग की अपेक्षा है कि जो हमारी जैव विविधता प्रबंधन समितियों का जो गठन जो हमारे ग्राम पंचायत स्तर पर होना है, उसमें वन विभाग के मैदानी अमलों के माध्यम से हमको इन जैव विविधता प्रबंधन समितियों के गठन का हमको उत्तरदायित्व निभाना है। इस समितियों में जो अध्यक्ष की जो दायित्व है, जो सात जो सदस्यीय टीम रहती है, उस सात सदस्यीय टीम तय करेगी कि समिति का अध्यक्ष कौन रहेगा, लेकिन जो सचिव का कार्यभार है वो किसी भी शासकीय सेवक जो सात विशेष आमंत्रित रहते हैं उसमें से इसका काम संभाल सकते हैं, देख सकते हैं, और इसका भी अनुमोदन वो ग्राम सभा पंचायत में किया जाएगा। अब समिति का गठन हो गया, समिति के अध्यक्ष बन गए, समिति के मेंबर्स बन गए, समिति का सचिव बन गया। अब समिति का उत्तरदायित्व, समिति क्या करे, कैसे किस तरह से हमको जैव विविधता को संभालना है उस क्षेत्र की। साथियों, वन विभाग का अमला इसलिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारी अधिकांश जो जैव विविधता है वो वनों में है, और यदि हमने हमारी जैव विविधता प्रबंधन समितियों में हमारे सचिव का जो कारोबार, यदि हमारे जो वन विभाग का अमला संभाल लेता है, तो हमारा एक विशेष सुविधा होगी कि जो हमारे क्षेत्राधिकार में जो जितनी जैव विविधता है वन विभाग के अंतर्गत, उसको हम अच्छे से संरक्षण कर सकते हैं, संवर्धन कर सकते हैं और इसको हम रेगुलेट कर सकते हैं। इसके अलावा जो हमारे पास में और भी विधि विधान है, सस्टेनेबल यूज, संवहनीय उपयोग करना है हमको, समिति भी उसका दायित्व है। और इसके लिए दूसरा जो हमारा जो तीसरा उद्देश्य है, जैव संसाधनों का लाभ का साम्यपूर्ण प्रभाजन, अर्थात आज जितने भी हमारे जैव संसाधन आधारित वाणिज्यिक धंधे करने उद्योग करने वाले जितने हमारे उद्योग है, जितने हमारे व्यापारी वर्ग है, वो हमारे जैव संसाधनों पर आश्रित है, तो उनको जो उनके द्वारा किए गए व्यवसाय का लाभ का प्रभाजन करना है, लाभ का साम्यपूर्ण प्रभाजन करना है, और अपना जो लाभ का हिस्सा है वो अंततः उस जैव विविधता प्रबंधन समिति के माध्यम से हमको उस गांव के अंतिम अंतिम छोर तक पहुंचाना है, और जिससे कि हमारे जो जैव संसाधन है जो जिस क्षेत्र से जा रहे हैं उस क्षेत्र में उसका संरक्षण करना अति आवश्यक है, और इसके लिए आवश्यक है ग्रामीण सहभागिता की। जब जैव विविधता प्रबंधन समिति का गठन हो जाएगा तो हम ग्रामीण सहभागिता की मदद से, गांव वालों की मदद से, उस वन क्षेत्र वन एरिया में जितने हमारे लोग रहते हैं या समिति क्षेत्र में जितने लोग रहते हैं उनकी मदद से हम तमाम तरीके की संरक्षण की गतिविधियां का वहां क्रियान्वयन कर सकते हैं। तो ये बड़ा ही एक अच्छा विषय है जिसमें कि हमको एक उम्मीद है कि हमारा जो वन विभाग के जितना भी अमला है, मैदानी अमला, उसमें काफ़ी उत्साह और रुचिपूर्ण तरीके से भाग लेगा और इस समिति को सक्रिय करने में पूर्ण पूर्ण सहयोग प्रदान करेगा। इसके अलावा जो उस समिति के क्षेत्र में जितना भी जैव विविधता है, जितना भी जैव संसाधन है, उसका डॉक्यूमेंटेशन करना है, उसका दस्तावेजीकरण करना है, मतलब हमको हमारे उस क्षेत्र में उपलब्ध जैव विविधता को एक
लिखित रूप में संरक्षित करना है, चाहे पारंपरिक ज्ञान की बात हो, चाहे विविध प्रकार के जैव संसाधन हो या विविध प्रकार की जैव विविधता हो। इस तरह साथियों हमको जो एक अभिलेख बनाना है, एक दस्तावेज बनाना है, उस दस्तावेज का नाम है लोक जैव विविधता पंजी, पीपल्स बायोडायवर्सिटी रजिस्टर, अर्थात PBR। तो इसके लिए मैं कहूँगा कि जो एक बात बताना जो रह गई है कि हम किस अधिनियम और किस नियम के तहत हम ये जैव विविधता पंजी और जैव विविधता समिति का गठन करेंगे। जैव विविधता अधिनियम 2002 केंद्र सरकार का है और इसकी धारा 41 के तहत प्रावधान दिया गया है कि हम लोक जैव विविधता प्रबंधन समिति का गठन करें। इसके अनुरूप हमारे प्रदेश में जैव विविधता अधिनियम 2004 बने और जो अधिनियम बने उसकी धारा 23 के अंतर्गत हमको जैव विविधता प्रबंधन समिति के गठन और इनका पूरे कार्य का विवरण दिया गया है। इस संबंध में हमने एक प्रयास किया है कि पूरे प्रदेश में हमने एक वनवृत्त स्तरीय कार्यशाला का आयोजन करके वहां पर हमने जो भी जैव विविधता अधिनियम और जो नियम के संबंध में एक मार्गदर्शक जो पुस्तिका है हमने इसका पूरा वितरण करवाया है। वनवृत्त स्तर पर जितने भी मैदानी अमलों की कार्यशालाएँ होती है उसमें हमारी ये पुस्तिका जरूर हम लोग वहाँ प्रदान करते हैं। तो साथियों एक अनुरोध भी है, जो भी हमारी बात को आप सुन रहे हैं कृपया इस पुस्तिका का जरूर अध्ययन करें, जिससे कि आपको जो जैव विविधता अधिनियम है और जो जैव विविधता नियम है उसके संदर्भ में आपके विचारों में बड़ा स्पष्टता होना आवश्यक है। जब तक आप इसका अध्ययन नहीं करेंगे तब तक आप अपने विचारों का बहुत स्पष्ट तरीके से क्रियान्वयन फील्ड में नहीं कर पाएंगे। इसके पश्चात ये आपको मैं एक तस्वीर और दिखा रहा हूं, यह है लोक जैव विविधता पंजी, पीपुल्स बायोडायवर्सिटी रजिस्टर। साथियों मध्य प्रदेश जैव विविधता नियम 2004 के नियम 23(9) के क्रम में हमको हमारे स्थानीय स्तर पर जो भी जैव संसाधन है, जैव विविधता है, उसको लिपिबद्ध करना है, उसको डॉक्यूमेंटेशन करना है, उसका दस्तावेज तैयार करना है। इसके लिए हमारे वहाँ प्रावधान है कि हम हर पंचायत स्तर पर हर जैव विविधता प्रबंधन समिति क्षेत्र में एक दस्तावेज तैयार करें और उस दस्तावेज का नाम है लोक जैव विविधता पंजी, पीपुल्स बायोडायवर्सिटी रजिस्टर। आपके दिमाग में प्रश्न आ रहा होगा कि ये क्या है, PBR क्या है, लोक जैव विविधता पंजी क्या होती है, इसकी क्या आवश्यकता है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज है, डॉक्यूमेंट्स है जो कि बहुत ही अति आवश्यक है। यदि हमने हमारे पंचायत क्षेत्र में, समिति क्षेत्र में यदि ये दस्तावेज तैयार कर लिया तो ये हमारे लिए एक दिशा निर्देश देगा कि आज हम कहाँ हैं और हमको आने वाले समय में क्या प्लान करना है, कौन सी योजना बनाना है। तो ये PBR इसमें जो जानकारी होती है वो समस्त प्रकार की जैव विविधता से संबंधित जानकारी इसमें सम्मिलित होती है, चाहे वो वनों की जैव विविधता हो, चाहे वो कृषि की जैव विविधता हो, चाहे वो पशुपालन की जैव विविधता हो, मत्स्य पालन की हो, इस तरह से तमाम तरीके की जैव विविधता की जानकारी विभिन्न निर्धारित प्रपत्रों में इसमें समाहित सम्मिलित की जाती है। इसके अंतर्गत हमारे राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण चेन्नई ने इसके लिए एक विशेष प्रपत्र का निर्माण किया है और उन्हीं निर्धारित प्रपत्रों में हमारे जो विषय विशेषज्ञ रहते हैं, समिति के सदस्य रहते हैं, वो इसमें अपनी जानकारियां भरते हैं। ये बात सत्य है कि जो प्रपत्र है वो बहुत ही वैज्ञानिक आधार पर निर्मित किए गए हैं और हमारे ग्राम की समिति को इतनी जानकारी सामान्यतः नहीं होती। वो हमेशा हमारे जो जैव विविधता के संबंध में या जैव संसाधनों के संबंध में हमेशा स्थानीय नामों के रूप में चर्चा करते हैं, लेकिन इसमें काफ़ी कुछ प्रपत्रों में ऐसे कॉलम्स भी दिए गए हैं जिसमें कि वैज्ञानिक नाम क्या है, इसका उपयोग क्या है, तो इस संबंध में जानकारी सामान्यतः हमारे ग्राम स्तर पर नहीं रहती है।
तो इसके लिए बोर्ड द्वारा एक प्रावधान किया गया है कि हम उस समिति को पीबीआर के निर्माण में सहयोग प्रदान करने हेतु तकनीकी सहायता समूह टेक्निकल सपोर्ट ग्रुप की हम व्यवस्था करें। बीएमसी हमारी जैव विविधता प्रबंधन समिति ऐसे समय में जब वो पीबीआर निर्माण करती है उस समय यदि उसको तकनीकी सहायता की आवश्यकता हो तो वो आउटसोर्स के माध्यम से या बोर्ड में अनुरोध करके हमारे माध्यम से एक तकनीकी या विशेषज्ञ की सहायता प्राप्त कर सकती है। इस संबंध में यदि आप वन विभाग के मैदानी अमले को जानकारी है तो वो भी अपनी जानकारी उस जैव विविधता प्रबंधन समिति को उपलब्ध करा सकता है। समिति में जो 7 लोग रहते हैं, जो 6 लोग रहते हैं वो विभागीय लोग रहते हैं, विभागीय सदस्यगण रहते हैं, जिसमें कि कृषि, पशुपालन, मत्स्य, शिक्षा, स्वास्थ्य और वन, तो इन विभागों के अधिकारियों की भी सहायता समिति प्राप्त कर सकती है जिससे कि उनको लोक जैव विविधता पंजी के निर्माण में मदद प्राप्त हो सके। सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र यह है कि आज जैव विविधता बोर्ड एक प्रयास कर रहा है कि मैदानी स्तर पर जो लाभ का साम्यपूर्ण प्रभाजन की जो गतिविधि है, एक्सेस टू बेनिफिट शेयरिंग, लाभ का साम्यपूर्ण प्रभाजन वो क्रियान्वित हो सके। मतलब कि जो जो व्यापारी वर्ग है, जो जो ट्रेडर से, मैन्युफैक्चरर से, जो हमारे जैव संसाधनों का वहां से व्यापार करते हैं, उनको जैव विविधता अधिनियम 2002 की धारा 7 के अंतर्गत फॉर्म 1 में आवेदन पत्र जैव विविधता बोर्ड को प्रस्तुत करना है और इस फॉर्म के साथ में फॉर्म A भी संलग्न करना है और इसके साथ में जैव विविधता अधिनियम 2002 की धारा 3-2 में जो एक घोषणा करना पड़ती है कि क्या जो व्यापारी है, जो वो उद्योगपति है, क्या वो विदेशी है कि नहीं है, इस संबंध में भी घोषणा पत्र को हस्ताक्षर करना पड़ता है। अर्थात संक्षिप्त में यही है कि यदि ऐसा व्यापारी या ऐसा विनिर्माता जो कि जैव संसाधनों का वहां से उपयोग करता है, प्राप्ति करता है, तो उसको विधिवत सूचना फॉर्म 1 में हमारे बोर्ड में प्रेषित करना है, जैव विविधता अधिनियम 2002 की धारा 7 के अंतर्गत सूचित करना है। इसके अलावा जैव विविधता अधिनियम 2002 के ऐसे कई प्रावधान हैं, कई ऐसे नियम हैं जिसके अंतर्गत कि हमको इसका क्रियान्वयन करना है। इस संबंध में यदि जैसे जैव विविधता प्रबंधन समिति का गठन हो जाता है और यदि उसको आवश्यकता महसूस होती है तो जैव विविधता बोर्ड उसके प्रशिक्षण की व्यवस्था करता है, ट्रेनिंग की व्यवस्था करता है एवं इसके साथ ही उनके जो सहयोगी सदस्यगण हैं, जो कि तकनीकी सदस्यगण जो उसमें जुड़े रहते हैं 6 लोग, यदि उनको भी प्रशिक्षण की आवश्यकता है तो बोर्ड उनको ट्रेनिंग प्रशिक्षण दे सकता है। धन्यवाद। अंत में मैं कहना चाहूँगा कि हम जैव विविधता का दुनिया को यह सच्चा संदेश है, जैव विविधता का दुनिया को यह सच्चा संदेश है, जीवन का वैविध्य बचा लो, धरती का आदेश है और हम अकेले ही चले थे जानबे मंजिल मगर, हम अकेले ही चले थे जानबे मंजिल मगर, लोग आते गए और कारवां बनता गया, लोग आते गए और कारवां बनता गया। धन्यवाद। एक बात और मैं और कहना चाहूंगा, जैव विविधता के संबंध में जीवो जीवस्य जीवनम और जीवो जीवस्य भोजनम की जो हमारी अवधारणा है, बोर्ड उसके लिए सतत रूप से, निरंतर रूप से प्रयासरत है कि हम इसमें हमारे जैव विविधता को बचाएं। और हम आपसे पुनः अनुरोध करते हैं, निवेदन करते हैं कि आपके विभाग, वन विभाग के अंतर्गत वन क्षेत्रों में जितनी जैव विविधता है उसको बचाने हेतु स्वप्रेरणा से आगे आए और आपके जो भी स्थानीय निकाय स्तर पर समिति को सक्रिय करें, वहाँ का डॉक्यूमेंटेशन कराएं और जो बेनिफिट शेयरिंग, लाभ का प्रभाजन के लिए जो भी इसकी आवश्यकता है उसको समझकर इसका क्रियान्वयन करें। यही आप सबसे अनुरोध है। धन्यवाद। जय विविधता। जय हिंद। जय हिंद।